हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ख्याति सेठी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल सतगुरु इंस्टीट्यूट। आई होप यू ऑल वेल। सो फ्रेंड्स, आज आप करांगे समाजिक सिक्ख्या दा पाठ नंबर 11, केंद्र सरकार। सो विद्यार्थियों, सब तो पहला अपन यह पता होना चाहिए कि सरकार की हुंदी है। तो विद्यार्थियों, सरकार दा मतलब हुंदा है ग्रुप ऑफ पीपल हु कंट्रोल ओवर कंट्री, यानी कि लोगों का समूह जो देश दे शासन करता है। हुन जो भारत दी सरकार है, उस विच शक्तियां दी वंड कीती गई है। ए वंड दो पदरां ते कीती गई है, पहली केंद्र सरकार अते दूसरी राज सरकार। केंद्र सरकार ता बच्चो ओह सरकार हुंदी है जो पूरे देश दे शासन करदी है, पूरे देश लई कानून बनांदी है, लोकां दे लई भलाई दे काम करदी है, पूरे देश नूं नाल लैके चलदी है। दूसरे पासे राज सरकार ओह सरकार हुंदी है जो सिर्फ राज ते ही शासन करदी है, राज दे लई ही कानून बनांदी है ते राज ते ही लागू करदी है, ओह हुंदी है राज सरकार। बच्चो, एंड दे विच जो राज सरकारां हुंदियां ने ओह केंद्र सरकार दे अंडर आंदियां हन। जो भी राज सरकारां हन ओह केंद्र सरकार दे अंडर रह के ही काम करदियां हन, यानी कि जो केंद्र सरकार है ओह भारत दी सब तो शक्तिशाली सरकार है। अगे आ जांदा है कि जो अपना संविधान है उस दे अधीन भारत विच संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली दी स्थापना कीती गई है। विद्यार्थियों, लोकतंत्र शासन प्रणाली दा अर्थ हुंदा है लोग अपनी मर्जी अनुसार किसी भी दल दे नेता किसी भी पार्टी दी उम्मीदवार नूं चुन के उस दी सरकार बना सकदे हन। इस नूं आपां कह दिंदे हां लोकतंत्र शासन प्रणाली, लोकां द्वारा बनाई गई सरकार, लोकां दा शासन, लोकां दा तंत्र। सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय सरकार दे तीन मुख अंग हन, विधानपालिका, कार्यपालिका अते न्यायपालिका। विद्यार्थियों, जो केंद्र सरकार है ओह तीन मुख अंगां नाल बनदी है। पहला उनका अंग है विधानपालिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका अते तीसरा अंग है न्यायपालिका। इन्हां तीन मुख अंगां नूं आपां डिटेल च अगे पढ़ांगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति ना कार्यपालिका मुखी है अते प्रधानमंत्री असली कार्यपालिका मुखी है। विद्यार्थियों, जो राष्ट्रपति है ओह ना दा ही मुखी है, उस कोल कोई ज्यादा शक्ति नहीं हुंदी, सिर्फ ओह कागजां विच साइन करदा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है ओह असली कार्यपालिका मुखी है, उस कोल शक्तियां हन। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद पास हुंदियां हन। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री अते उसदे मंत्री परिषद पास कार्यपालिका शक्तियां हुंदियां हन, लेकिन जो राष्ट्रपति है ओह सिर्फ नां दा ही मुखी है। केंद्रीय सरकार दे तीन मुख अंग। सो विद्यार्थियों, सब तो पहला इस दा मुख अंग है विधानपालिका, जिस नूं आपां संसद भी कह दिंदे हां। सो विद्यार्थियों, संसद दे विच दो सदन हुंदे हन। पहला हुंदा है लोक सभा, जो कि हेठला सदन हुंदा है, अते दूसरा हुंदे है राज्यसभा, जो कि उपरला सदन हुंदा है। विद्यार्थियों, जो विधानपालिका है उसका मुख काम हुंदा है कानून बनाउना। ए है केंद्र सरकार दा पहला अंग। दूसरा अंग आ जांदा है कार्यपालिका, इस विच आ जांदा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अते उसकी मंत्री परिषद। विद्यार्थियों, कार्यपालिका दा मुख काम हुंदा है कानून लागू करना। यह है केंद्र सरकार दा दूसरा मुख अंग। तीसरा अंग आ जांदा है न्यायपालिका, इस विच आ जांदी है सुप्रीम कोर्ट। विद्यार्थियों, न्यायपालिका दा मुख काम हुंदा है इंसाफ करना अते कानून दी रक्षा करना। सो विद्यार्थियों, ए ने केंद्र सरकार दे तीन मुख अंग। पहला अंग है विधानपालिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका अते तीसरा अंग है न्यायपालिका। विधानपालिका दा काम हुंदा है कानून बनाउना, कार्यपालिका दा काम हुंदा है कानून लागू करना अते न्यायपालिका दा काम हुंदा है कानून दी रक्षा करना। विद्यार्थियों, अज आपां पढ़ांगे विधानपालिका बारे, यानी कि संसद बारे। सो विद्यार्थियों, जो संसद है ओह भारत दी सर्वोच्च विधानसभा है, जिस दा उद्देश है देश लई कानून बनाउना। संसद विच शामिल हन राष्ट्रपति, लोकसभा अते राज्यसभा। विद्यार्थियों, जो लोकसभा है ओह हेठला सदन है, जिस नूं लोकां दा सदन भी कहा जांदा है। राज्यसभा उपरला सदन है,
जिस नूं राजा दी परिषद भी कहा जांदा है। हुण आपां पढ़ांगे लोक सभा अते राज सभा बारे। लोक सभा अते राज सभा, विद्यार्थियों आपां लोक सभा अते राज सभा नूं नाल नाल पढ़ांगे। सब तो पहला देखदे हां लोक सभा। सो विद्यार्थियों, जो लोक सभा दे मैंबर हुंदे हन उन्हां नूं भारत दे लोकां द्वारा सीधे तौर ते 5 साल लई चुनिया जांदा है। लोक सभा नूं हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकां दा सदन भी आखदे हां। राज सभा, विद्यार्थियों जो राज सभा दे मैंबर हुंदे हन उन्हां नूं राजां अते केंद्रीय शासित खेत्रां दीआं जो विधान सभावां हुंदीआं हन उन्हां दे चुने हुए मैंबरां द्वारा अनुपातिक चोन प्रणाली राही चुनिया जांदा है। राज सभा नूं कौंसल ऑफ स्टेट्स यानी कि राजां दी परिषद भी आख्या जांदा है। लोक सभा दी चोन, विद्यार्थियों जो लोक सभा दी चोन हुंदी है उह प्रत्यक्ष चोन हुंदी है यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन हुंदी है। लोग डायरेक्ट लोक सभा दे मैंबर नूं चुनदे हन, जदकि राज सभा दी चोन अप्रत्यक्ष चोन हुंदी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुंदी है। इस विच लोकी डायरेक्ट राज सभा दे मैंबर नूं नहीं चुनदे। इस विच लोकां द्वारा चुनिया होया विधान सभा दा मैंबर अगे राज सभा दे मैंबर नूं चुनदा है। हुण आपां देखदे हां योग्यतावां। तां विद्यार्थियों, लोक सभा अते राज सभा दा मैंबर बनन लई जो योग्यतावां होनियां चाहीदियां हन उह लगभग सेम हन। किसी भी सदन दा मैंबर बनन लई भारत दा नागरिक होना चाहीदा है। लोक सभा दा मैंबर बनन लई 25 साल जां उस तों वध दी आयु होनी चाहीदी है, जदकि राज सभा दा मैंबर बनन लई 30 साल जां उस तों वध दी आयु होनी चाहीदी है। किसी भी सदन दा मैंबर बनन लई सरकारी अहुदे ते नहीं होना चाहीदा, नागरिकता ते रोक नहीं होनी चाहीदी अते पागल जां दिवालिया नहीं होना चाहीदा। जेकर व्यक्ति च इह सारियां योग्यतावां हन तां उह सदन दा मैंबर बन सकदा है। मैंबर, विद्यार्थियों लोक सभा दे वध तों वध मैंबर 552 हो सकदे हन, लेकिन मौजूदा मैंबर 545 हन। राजां दे मैंबर यानी कि स्टेट्स दे मैंबर 530 हो सकदे हन अते 530 ही मौजूद हन। केंद्रीय शासित खेत्रां दे मैंबर, मैंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज यूटी दे मैंबर्स भी हो सकदे हन, लेकिन मौजूद 13 हन। एंग्लो इंडियन मैंबर 2 हुंदे हन जिन्हां दी सीट रिजर्व हुंदी है। हुण गल करदे हां राज सभा दे मैंबरां दी। तां विद्यार्थियों, राज सभा दे मैंबर वध तों वध 250 हो सकदे हन, लेकिन मौजूदा मैंबर 245 हन। राज्यां अते केंद्रीय शासित खेत्रां दे मैंबर 238 हो सकदे हन, लेकिन मौजूद मैंबर 233 हन। विद्यार्थियों, 12 मैंबर एहो जे हुंदे हन जो राष्ट्रपति द्वारा नामजद हुंदे हन, नॉमिनेटेड हुंदे हन। ए 12 मैंबर उह हुंदे हन जो अपनी अपनी फील्ड विच एक्सपर्ट हुंदे हन। ए फील्ड हुंदी है आर्ट, साइंस, लिटरेचर अते सोशल सर्विसेज दी। विद्यार्थियों, लोक सभा अते राज सभा दे मैंबरां दी गिनती विच तुसी कन्फ्यूज नहीं होना, इन्हां नूं तुसी किसी ना किसी ट्रिक नाल याद कर लेना। हुण अगे आ जांदा है लोक सभा दा मैंबर बनन लई घट्टो घट उमर। तां विद्यार्थियों, पिछे भी आपां पढ़िया सी लोक सभा दा मैंबर बनन लई घट्टो घट उमर 25 साल होनी चाहीदी है, जदकि राज सभा दा मैंबर बनन लई घट्टो घट उमर 30 साल दी होनी चाहीदी है। प्रधानगी, विद्यार्थियों लोक सभा दी प्रधानगी स्पीकर करदा है। ए जो स्पीकर हुंदा है ए लोक सभा दा हेड हुंदा है। जो लोक सभा दे मैंबर हुंदे हन ओ अपने मैंबरां विचों ही स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर दी चोन करदे हन। आम तौर ते इह देखिया गया है जिस दल नूं बहुमत मिली हुंदी है उस दल दा ही स्पीकर बनाया जांदा है। जो स्पीकर हुंदा है ओ लोक सभा दी अगवाई करदा है अते लोक सभा दे सारे मैंबर स्पीकर दे आदेशां दी
पालना करते हैं। दूसरे पासे देखा जावे ता राज सभा दी प्रधानगी चेयरमैन करता है। विद्यार्थियों, चेयरमैन भारत दा उपराष्ट्रपति हुंदा है। जो भी मौजूदा उपराष्ट्रपति होवेगा ओही राज सभा दा चेयरमैन होवेगा। जो चेयरमैन है ओह भी लोक सभा दे स्पीकर वांग राज सभा दी कारवाई दा संचालन करता है, राज सभा दी अगवाई करता है। विद्यार्थियों, राज सभा दे मैंबर भी लोक सभा वांग अपने मैंबरां विचों ही एक नूं डिप्टी चेयरमैन चुनदे हन। जेकर किसे दिन राज सभा विच चेयरमैन हाजर नहीं हुंदा तां उस दिन डिप्टी चेयरमैन सदन दी कारवाई करता है। संखेप विच आपां कह सकदे हां कि लोक सभा दा हैड स्पीकर हुंदा है अते राज सभा दा हैड चेयरमैन हुंदा है। कार्यकाल, विद्यार्थियों, लोक सभा दा कार्यकाल 5 साल दा हुंदा है। 5 सालां बाद नवी सरकार बनाई जांदी है, नवे लोक सभा दे मैंबर चुने जांदे हन, इसलिए यह अस्थाई सदन है। इस विच कोई भी रिटायरमेंट नहीं हुंदी, जबकि राज सभा दा कार्यकाल 6 साल दा हुंदा है। यह स्थाई सदन है। राज सभा विच 1/3 मैंबर यानी कि 1/3 मैंबर हर 2 साल बाद रिटायर हुंदा है। अगे आ जांदा है सधारण बिल। विद्यार्थियों, जेड़ा सधारण बिल हुंदा है उसनूं लोक सभा अते राज सभा किसे विच भी पेश कीता जा सकदा है, लेकिन जो मनी बिल हुंदा है, वित्त बिल हुंदा है, उसनूं सिर्फ लोक सभा विच ही पेश कीता जांदा है। राज सभा विच मनी बिल नूं नहीं पेश कीता जांदा। उम्मीद करदी हां कि तुहानूं लोक सभा अते राज सभा चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। विद्यार्थियों, हुण आपां पढ़ांगे संसद दीआं शक्तियां, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तां विद्यार्थियों, ए जो शक्तियां हन संसद दीआं, ए संविधान दे वख-वख अनुच्छेदां अनुसार संसद नूं दित्तियां गईआं हन। इस नूं 4 शक्तियां विच वंडिया गया है। पहली शक्ति है विधानक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। सेकंड है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर। थर्ड है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। एंड फोर्थ है न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर। इन्हां शक्तियां नूं हुण आपां डिटेल च पढ़ांगे। सब तो पहला आंदी है विधानक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। विद्यार्थियों, ए जो शक्ति है ए कानून बनाउण दे रिलेटेड है। इस शक्ति अधीन संसद संघी अते समवर्ती सूचियां विच जो भी विषय शामिल होणगे उस उत्ते कानून बना सकती है। इस तो इलावा संसद कोल ए भी शक्ति है कि विशेष हालत विच या लोड पैण ते कोई लड़ाई झगड़ा हो जांदा है या कोई समस्या पैदा हो जांदी है, उस समय भी संविधान अनुसार संसद कोल ए शक्ति है कि जो भी राज सूची विच विषय शामिल हन उस उत्ते संसद कानून बना सकती है। इस तो इलावा विधानक शक्ति अधीन संसद नवे कानून बनाउना, पुराने कानूनां विच सोध करना जां उन्हां नूं समाप्त करन दी शक्ति रखदी है। विद्यार्थियों, इह हन संसद दीआं विधानक शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। हुण आपां गल करदे हां कार्यपालिका शक्तियां यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स। विद्यार्थियों, इह शक्तियां हन कानून लागू करन दे रिलेटेड। जिवें कि आपां पिछे भी पढ़िया सी, कार्यपालिका दा मुख काम हुंदा है कानून नूं लागू करना। इस शक्ति अधीन प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद दे मैंबरां नूं संसद दा मैंबर होना जरूरी है। जेकर कोई भी मंत्री संसद दा मैंबर नहीं हुंदा तां उस मंत्री नूं मैंबर बनन लई 6 महीने दा समां दित्ता जांदा है अते 6 महीने दे अंदर अंदर मंत्री दा संसद दा मैंबर बनना जरूरी हुंदा है। सेकंड पॉइंट आ जांदा है, जो भी दल बहुमत हासिल करता है उस दल दे नेता नूं ही प्रधानमंत्री नियुक्त कीता जांदा है। विद्यार्थियों, एथे ए दसना जरूरी होवेगा कि जो राष्ट्रपति हुंदा है ओ अपनी मर्जी अनुसार किसे नूं भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकदा। प्रधानमंत्री ओही बनेगा जिस कोल बहुमत हुंदी है उस दल दे नेता नूं ही राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री दे पद ते नियुक्त कीता जांदा है। थर्ड पॉइंट आंदा है, प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद अपनी नीतियां
ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਥਰਡ ਪਾਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਕਢਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਧਨ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ, ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਦੰਡਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਹਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਲਾ ਮੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
सब तो पहला पड़ाव हुंदा है पेशगी। विद्यार्थियों, इस पड़ाव विच सदन विच बिल पेश कीता जांदा है अते एह बिल कोई भी मंत्री जा मेंबर वल्लो पेश कीता जा सकदा है। बिल दे उदेश अते पेश करन दे कारण दस्से जांदे हन। बिल दे इस पड़ाव ते बहस नहीं हुंदी। दूसरा पड़ाव हुंदा है बहस दा। इस पड़ाव विच बिल दे हर एक अनुच्छेद ते विस्तार नाल बहस कीती जांदी है। इस पड़ाव उत्ते बिल विच परिवर्तन भी कीते जांदे हन। अगे आ जांदा है तीसरा पड़ाव। विद्यार्थियों, इस पड़ाव ते समुचे तौर ते बिल उत्ते वोटां पाईयां जांदियां हन। जेकर सदन दा बहुमत नाल बिल पास कर दवे ता एह बिल सदन वल्लों पास हो जांदा है। एक सदन विचों बिल पास होन उपरंत बिल दूसरे सदन विच पास करन लई भेजा जांदा है। सो विद्यार्थियों, दूसरे सदन विच भी बिल नू पहले सदन वांग वक-वक पड़ावां विचों गुजरना पैंदा है। सब तो पहला बिल दी दूसरे सदन विच पेशगी कीती जांदी है। बिल दे उदेश अते पेश करन दे कारण दस्से जांदे हन। उस तो बाद बिल दे हर एक अनुच्छेद ते विस्तार नाल बहस कीती जांदी है। जो भी परिवर्तन हुंदे हन इस पड़ाव विच कीते जांदे हन। उस तो बाद वोटां पाईयां जांदियां हन। जेकर सदन बहुमत नाल बिल पास कर देवे तां इह बिल दूसरे सदन वल्लों भी पास हो जांदा है। इस तो बाद दोनां सदनां वल्लों बिल पास करन पिछों बिल राष्ट्रपति दी मंजूरी लई भेजा जांदा है। राष्ट्रपति दी मंजूरी तो बाद बिल कानून बन जांदा है। विद्यार्थियों, जदों राष्ट्रपति बिल ते साइन कर दिंदे हन तां ओह बिल राष्ट्रपति वल्लों मंजूर मन्या जांदा है। इस तरह राष्ट्रपति दी मंजूरी तो बाद बिल कानून बन जांदा है। सो विद्यार्थियों, ए सी कानून बनन दी विधि। हुण देखांगे कि विधि बिल किस तरह कानून बनदा है। सो विद्यार्थियों, विधि बिल भी साधारण बिल वांग कई पड़ावां तो गुजरदा है। विधि बिल भी साधारण बिल दी तरह सब तो पहला लोक सभा विच पेश कीता जांदा है। बिल दे उद्देश अते पेश करन दे कारण दस्से जांदे हन। बिल दे इस पड़ाव ते बहस नहीं हुंदी। इस तो बाद इस बिल दे हर एक अनुच्छेद ते विस्तार नाल बहस कीती जांदी है। इस पड़ाव उत्ते बिल विच परिवर्तन भी कीते जांदे हन। बहस तो बाद बिल ते वोटां पाईयां जांदियां हन। जेकर सदन बहुमत दे नाल बिल पास कर देवे तां इह बिल लोक सभा वल्लों पास हो जांदा है। लोक सभा वल्लों पास होण पिछों बिल नूं राज सभा विच 14 दिनां लई सिफारिश लई भेजा जांदा है। विद्यार्थियों, इत्थे इह दसना जरूरी होवेगा कि जो राज सभा सिफारिशां भेजदी है ओह लोक सभा मन्नन जां ना मन्नन इह लोक सभा दी अपनी इच्छा हुंदी है। इस तो बाद जेकर राज सभा 14 दिनां दे अंदर बिल वापस लोक सभा नूं नहीं भेजदी तां इह बिल राष्ट्रपति दी प्रवानगी लई भेज दिता जांदा है। राष्ट्रपति नूं बिल ते प्रवानगी देनी पैंदी है क्योंकि उसने इस दी अगेत्री प्रवानगी भी दित्ती हुंदी है। राष्ट्रपति दी प्रवानगी तो बाद धन बिल विधि कानून बन जांदा है। सो विद्यार्थियों, ए सी विधि बिल किस तरह कानून बनदा है। सो विद्यार्थियों, इस वीडियो च आपां लोक सभा, राज सभा, संसदीय शक्तियां, साधारण बिल अते मनी बिल बारे पढ़िया है। उम्मीद करदी हां वीडियो चंगी लगी होवेगी। चंगी लगे तां प्लीज वीडियो नूं ज्यादा तो ज्यादा लाइक ते शेयर जरूर करो।